ब्रशेस 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 तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे काफ़ी ज़्यादा लोग पूछते हैं यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे। तो मैं आके कौन से ब्रशेस यूज़ करता हूँ ब्लेंडिंग के लिए मेरे स्केचेस में, तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आखिर मैं कौन से ब्रशेस यूज़ करता हूँ एंड मैंने ये ब्रशेस कहाँ से परचेस किए, उसकी भी डायरेक्ट लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो आखिर मैं आपको इन ब्रशेस को परचेस करना चाहिए या नहीं, ये जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार के पैकिंग में हमें ये ब्रशेस देखने को मिल जाते हैं। ये एक लेदर पाउच में आते हैं एंड इसमें टोटल 24 ब्रशेस हमें देखने को मिल जाते हैं। तो अलग अलग साइज़ के ब्रशेस है और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने जो है काफ़ी सारे ब्रशेस ऑलरेडी इसमें से निकाल लिया हूँ एंड दिस इज़ वाई जो पॉकेट्स है वो आपको एम्प्टी दिख रहे हैं। तो कुछ ये ब्रशेस है जो मैं रेगुलरली 1-1.5 साल से यूज़ करते आ रहा हूँ मेरे सारे जो ड्राइंग्स में। एंड इसके पहले मैं जो नॉर्मल पेंटिंग ब्रशेस है वो यूज़ करता था, बट आई फाउंड दैट कि उसके जो ब्रिसेस है वो थोड़े ज़्यादा हार्ड रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी शेडिंग उतनी प्रॉपरली हो नहीं पाती। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया एंड देन मुझे ये अमेज़ॉन पे मिल गए थे। तो अगर आपको सिमिलर ब्रशेस परचेस करना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। लेकिन आपको क्या सही में इन सारे जो है उन ब्रशेस की ज़रूरत है, इसको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो ट्रस्ट मी गाइज, इन ब्रशेस का यूज़ करके मुझे काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल पाए हैं। जो मेरे प्रीवियस वर्क्स थे उसमें मुझे उतनी स्मूथ शेडिंग नहीं मिल पाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं जो है पेंटिंग ब्रशेस यूज़ करता था एंड उनके ब्रिसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहते हैं, अगर आपको पता होगा तो। तो ये जो मेकअप ब्रशेस है इनके ब्रिसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ शेडिंग मिल पाती है। तो ये है कुछ मेरे प्रीवियस ब्रशेस जो मैंने पहले मेरी पुरानी ड्राइंग्स में यूज़ किए हैं एंड इनका यूज़ करके मुझे जो है उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल पाए थे। एंड जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने इन मेकअप ब्रशेस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर लिया है, काफ़ी डर्टी से भी लग रहे होंगे, काफ़ी ब्लैक ब्लैक उस पर ग्रेफाइट का रेसिड्यू है, क्योंकि इनको मैंने लगभग 1 से 1.5 साल अभी यूज़ किया है, उसके बाद में ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये ब्रशेस हमें काफ़ी सारे साइजेस में मिल जाते हैं, तो अगर आपके स्मॉलेस्ट ड्राॅइंग्स है उसमें भी आपको ये काम आएंगे एंड आपके जो बड़े साइज़ के ड्राॅइंग्स है जैसे कि A3 के ऊपर के, A2 या फिर A1, उसमें भी आपको ये ब्रशेस काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं, क्योंकि इसमें बड़े साइज़ के ब्रशेस भी अवेलेबल है एंड उनके भी ब्रिसल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। लेकिन अगर आप नॉर्मल साइज़ के ड्राइंग करते हो तो इतने सारे ब्रशेस की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ 3 से 4 ब्रशेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये 3 ब्रशेस है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, थोड़े डिफरेंट साइज़ के ब्रशेस है एंड जो डार्क आपको दिख रहे हैं, जिनके ब्रिसल आपको डार्क दिख रहे हैं, वो मैं डार्क शेड्स के लिए यूज़ करता हूँ एंड जिसके आपको लाइट ब्रिसल्स दिख रहे हैं वो मैं जो फेस शेडिंग है, जो जहाँ पर लाइट वैल्यू है उसको शेड करने के लिए यूज़ करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन सारे ब्रशेस की बिल्कुल भी ज़्यादा कोई ऐसी ज़रूरत है नहीं। तो अगर आप बिगनर हो तो सिर्फ आपको 3 से 4 ब्रशेस लगेंगे, तो आप लोकल शॉप से भी उसको परचेस कर सकते हो, लगभग 15 से 20 रुपये का एक ब्रश आपको मिल जाएगा। लेकिन इस ब्रश सेट में मुझे 2 ऐसे ब्रश मिले जिनका यूज़ करके मैं जो है काफ़ी अच्छी स्मूथ शेडिंग कर पाता हूँ। इनको आई गेस आई शेडो ब्रश भी कहते हैं। सो बेसिकली इनके जो टिप है उस पर एक छोटा सा स्पंज लगा होता है, जिसके कारण हमारी जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है स्मूथ हो पाती है। तो अगर आप ये सेट परचेस करोगे तो मैं सजेस्ट करूँगा इन ब्रशेस को ट्राई करना एक बार, क्योंकि इनसे जो हमें शेडिंग मिलती है वो काफ़ी अच्छी मिल पाती है मेरे हिसाब से। तो इन ब्रशेस के अलावा मुझे 2 फैन ब्रशेस भी मिल जाते हैं इस सेट में, जिनका यूज़ करके जो है मैं जो भी रेसिड्यूज़ रहेंगे हमारे पेपर में उसको मैं हटा सकता हूँ, उसको साफ़ करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ। और इनके भी जो ब्रिसल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, जिसकी वजह से हमारे पेपर की जो शेडिंग है वो वैसे की वैसे रहती है एंड ज़्यादा ग्रेफाइट फैलता नहीं है। तो मैं इनको यूज़ करता हूँ जो भी रेसिड्यूज़ है उसको हटाने के लिए। तो इस वीडियो के एंड में मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप डालूंगा जिसमें जो है मैंने इन ब्रशेस का यूज़ करके ब्लेंडिंग की है, तो आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि आखिर ये ब्रश किस तरह से हम जो है यूज़ कर सकते हैं। सो आई रियली होप कि आपके जो है सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने आर्टिस्ट दोस्तों के साथ और मैं आपको मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप स्केचिंग, स्टे सेफ एंड टेक केयर।